नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। गांबिया में एक भारतीय कंपनी की कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के बाद अब उज्बेकिस्तान ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय कंपनियां कफ सिरप से उनके यहां 18 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जांच शुरू कर दी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गांबिया में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के बाद उज्बेकिस्तान ने भी आरोप लगाया है कि एक भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्म की कफ सिरप से उसके यहां 18 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारतीय दवा फर्म मैरियन बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉक वन मैक्स कफ सिरप के सेवन से इन बच्चों की मौत हुई है। उज्बेकिस्तान के इस दावे के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र की सरकार ने उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को इंडियन कफ सिरप से होने के बाद बच्चों की रिपोर्ट मांगी है। ये दवा कंपनी कथित तौर पर नोएडा की बताई जा रही है। भारत ने उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत को नोएडा स्थित दवा निर्माता के सिरप से जोड़ने के दावे के बाद जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सिरप बनाने वाली कंपनी का नाम मैरियन बायोटेक है। मैरियन बायोटेक नाम की कंपनी 2012 में उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई थी। सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी टीम ने यूपी ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी संपर्क किया है ताकि दवा कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की जा सके। इस बीच सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सूत्रों ने खुलासा किया है कि ये खास सिरप फिलहाल भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा रहा है। तो वही उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सांस की गंभीर बीमारी वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत डॉक वन मैक्स सिरप लेने के कारण हुई है। प्राइमरी लैब स्टडी ने डॉक वन मैक्स सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति को दिखाया है। इसमें वही घातक केमिकल है जिसे गांबिया में मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इससे पहले अक्टूबर में अफ्रीकी देश गांबिया में भारत निर्मित कफ सिरप से करीब 70 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।